मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का नॉलेज मॉल में स्वागत करता हूँ। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख के सारे फैक्टर की संख्या बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर भी आप इनसे पहले जब पूछे थे, रूट अंडर 2 to the power 3 to the power 2, इसका एक आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। आई अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं हम लोग 10 questions के सेट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल जो है 900 है, ठीक है, और जोर उनके अंतर से 30 अधिक है। तो उसका जो जोर है, तो जोर मान लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है, क्या है ये जोर, उसके अंतर से यानी कि x माइनस वाई से 30 अधिक है। तो x x कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया 15। अब सोचिए जरा, एक संख्या 15 है, उसका गुणनफल 900 है, तो दूसरा संख्या क्या रहा होगा, 60 रहा होगा। तो ग्रेटर वाला संख्या कितना हो गया हमारा, 60। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है। अच्छा, एक आदमी जो है एक लड़का से दुगना काम करता है, तो दैट मीन्स एम बाय बी का रेशियो होगा 2:1। अब बोल रहा है उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब 10 men into 8 उस काम का टोटल कैपेसिटी रहा होगा। तो ज्ञात कीजिए कि 3 आदमी तथा 4 लड़के, तो पता हम लोगों की बराबर कर देंगे, 3 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इंटू एक्स डेज में पूरा करेंगे। अब कैसे बनाते हैं, तो हम लोगों को पता है कि एम के जगह कितना रख देंगे 2, तो 10 into 2 into 8, फिर इक्वल्स टू, फिर एम के जगह कितना रखेंगे 2, और बी की जगह कितना रखेंगे 1, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 into x, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16 days। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को पता है कि 4, 6, 8, 12, ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इस 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। दैट मीन्स ऐसा संख्या चाहिए, एलसीएम क्या होता है, ऐसा संख्या चाहिए जो सबसे डिविजिबल हो, तो ऐसा संख्या 48 होगा। अब देखिए ये जो है 48 से ये सारा संख्या 48 को डिवाइड करता है, लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो शेष मतलब बचना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर 50। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्र ने दी गई 7-10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। अच्छा, क्या किया है कि 46 के बजाय 64 लिखा, इसका मतलब ये गलत वाला है और 46 हमारा क्या है, सही वाला है। दैट मीन्स सही वाला ऐड होगा, गलत वाला माइनस होगा। तो 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय, तो मान, ठीक है, क्या किया, 46 को 64 लिखा और औसत 50 निकला। अच्छा, अब ये बताइए, जब औसत 50 निकला तो उस संख्याओं का गुणनफल कितना रहा होगा, 10 × 50 रहा होगा। तो ये करेक्ट सम है कि इनकरेक्ट है, तो ये तो रॉन्ग है, ये सम तो रॉन्ग है। तो करेक्ट वाला क्या होगा, करेक्ट निकालने के लिए ये 500 में क्या करना पड़ेगा, गलत वाला माइनस करेंगे और सही वाला प्लस करेंगे। ओके, तो ये करेक्ट सम हो जाएगा, कितनी संख्याओं का औसत चाहिए 10 का, तो डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 18 हो जाएगा, है ना,
माइनस 18 बाई 10 दैट मीन्स हो जाएगा 482 बाई 10, तो 48.2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग, एक संख्या मतलब ये पहला संख्या एक्स वन ठीक है, और दूसरी इसका मतलब क्या हो गया ये एक्स टू। तो पहली संख्या का 1/5 इसका मतलब एक्स 1/5 प्लस दूसरी संख्या का 25%, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा एक्स टू बाई फोर। 25% मतलब क्या होगा 25/100, तो क्या हो जाएगा एक्स टू बाई फोर, यानी कि दोनों संख्याओं का योग जो है पहली संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है, तो 40% मतलब क्या हो जाएगा एक्स वन का 40% कितना हो जाएगा 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x1/5। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू बाई फोर इज इक्वल्स टू, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 2x1/5 माइनस x1/5, तो क्या हो जाएगा x1/5, तो x1/x2 का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, तो आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। अच्छा, तो टोटल ब्याज कितना 1080 रुपया है। ठीक, तो डिवाइड कर देते हैं इसमें एक साल के ब्याज से, एक साल में कितना ब्याज आएगा, तो 3000 का 12%, तो 3000 का 12% से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि टोटल ब्याज चाहिए 1080 और एक साल में कितना ब्याज आएगा, तो 3000 का 12% डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो यहाँ से 10 कैंसिल, फिर 10 कैंसिल, 12 36 into 3 108 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3 वर्ष हो गया हमारा आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है SI 1 वर्ष का 260 रुपया है, उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपया है, तो ब्याज की दर प्रति वार्षिक। तो देखिए 2 साल का SI और CI का अंतर निकाल लेते हैं, कितना 2 ईयर्स का, ठीक है CI माइनस SI निकाल लेते हैं, तो CI कितना है 540.8 माइनस SI कितना हो जाएगा 2 साल का, तो 1 साल का 260 है, ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 20.8। ठीक है, ये 2 साल का हो गया हमारा CI और SI का अंतर, तो 2 साल का जो CI और SI का अंतर होता है वो 1 साल के ब्याज का, ठीक है, वो 1 साल के ब्याज का किसके बराबर होता है R परसेंट के बराबर होता है, तो 260 का R परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 20.8। सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 10 कैंसिल, फिर 10 कैंसिल, तो ये कट जाना चाहिए 13 36 78, 13 2 26, 2 8 16, कितना हो जाएगा हमारा 8%। याद रखिएगा 2 साल का कितना, 2 साल का CI माइनस SI, कहाँ का 2 साल का CI माइनस SI होता है 1 साल के SI, 1 साल का SI के R परसेंट के बराबर, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लेता है, एक 10 सेकंड का दूसरा 15 सेकंड का समय लेता है, और हम लोगों को पता है कि खंबे को पार करने में गाड़ी अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, इसका मतलब ये गाड़ी 10 सेकंड में 120 मीटर कवर करता होगा, ये भी गाड़ी 15 सेकंड में 120 मीटर ट्रेवल करता होगा, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, पहला वाला गाड़ी की स्पीड की बात करें तो 12 मीटर पर सेकंड, दूसरा वाला गाड़ी की स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बोल रहा है ठीक है हो तो बताए विपरीत दिशाओं में चलते हुए, अच्छा एक किधर चलेगा तो एक इधर चलेगा, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो जब एक दूसरे के विपरीत चलता है तो क्या होगा, देखिए ये वाला जो है पार्ट है, ये वाला गाड़ी की ये इधर आ जाएगा, देखिए छुक छुक चलेगा, क्या छुक छुक चलती रेल,
तो ये इधर आ जाएगा जब पार करेगा। तो अब देखिए ये वाला जो गाड़ी है ये भी छुक छुक चलेगा इधर, तो ये पार जब करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए जब गाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है तो गाड़ी, दोनों गाड़ी मिलकर के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों गाड़ी के लंबाई के बराबर। देखिए ये पहला गाड़ी का लंबाई और ये दूसरा गाड़ी के लंबाई, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 240। हम लोगों को पता है कि एक इधर जाए एक इधर जाए तो स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ऐड हो करके 20। अब सॉल्व कर देंगे तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड आ गया हमारे पास, तो 12 सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। ओके अभी बंद चल रही है कुछ कुछ ट्रेनें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहे हैं कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल, 20 का SP 40 के विक्रय मूल के बराबर है, 40 के सॉरी क्रय मूल के बराबर है, 40 के CP। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल 40 वस्तुओं के क्रय मूल के बराबर है, तो 20 का SP 40 के CP के बराबर होगा। तो CP/SP का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20/40, चूंकि SP इधर आएगा तो 40 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 20/40 कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दुगुन। देखिए एक का प्रॉफिट हो रहा है, CP 1 और SP 2, तो प्रॉफिट कितने का, एक का प्रॉफिट इंटू 100/CP 1, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 100% का प्रॉफिट। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है यदि किसी घन की भुजाओं में 5% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाता कि एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, तो एरिया में होता 5, दैट मीन्स a+b+ab/100, ये एरिया में चेंजिंग होता है। तो 5+5, 5×5/100 कितना जाएगा, 10.25% का चेंजिंग होगा एरिया में। अगर वॉल्यूम में पूछा जाए तब क्या होगा, तो जब वॉल्यूम निकालेंगे ना तो एरिया में कितना है, 2.5%। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर a+b+ab/100 निकालेंगे। अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है a³ होता है, तो हम a² के लिए निकाल चुके हैं, a² के लिए इतना चेंज होगा, तो अब ये a बन जाएगा 10.25+b, 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि एक तो 5 ही है। फिर क्या हो जाएगा, 10.25×5/100, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग, 25+ समथिंग आएगा। तो अब ये बात तो निश्चित हो गया कि प्लस समथिंग आएगा, तो 15 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 10.5 होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15.25। ठीक है, फिर आज हम लोग 10 क्वेश्चंस का सेट बना लिए और आप लोगों के लिए ये हम क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा करेंगे जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। ठीक है चलिए, और अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है यार। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।